सबों को जय शु। आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबको ईश्वर का वचन बांटना चाहता हूं। आज हम संत लूकस के अध्याय 4 पद संख्या 38 से 44 के विषय में बातचीत करेंगे। इस पवित्र वचन में बताया गया है कि प्रभु यीशु क्रिस्त सिमोन की सास के घर पर जाते हैं। सिमोन की सास जो बुखार से पीड़ित है, बीमार है, और प्रभु को यह खबर लगती है कि सिमोन की सास बीमार है, तो वो सिमोन की सास से मिलने के लिए जाते हैं। पवित्र वचन में बताया गया है कि प्रभु यीशु क्रिस्त उनके घर जाते हैं और जाने के बाद जैसे ही सिमोन की सास का हाथ पकड़ते हैं और उसका बुखार चला जाता है और वो प्रभु यीशु की सेवा शुश्रूषा में लग जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये छोटा सा वाक्य है। आज हम लोग जानते हैं बीमार से व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। घंघोर बीमारियां व्यक्ति को निचोड़ कर रख देती है और जो बीमार होता है सिर्फ वो परेशान नहीं होता, पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए समझ में नहीं आता। आज देखिए, जब प्रभु यीशु क्रिस्त को मालूम पड़ता है सिमोन की सास बुखार से पीड़ित है, तो वे जाकर सिमोन की सास को चंगा करते होंगे। हम लोग भी प्रभु की सेवा में लगते हैं, बहुत सारे करते हैं। मैं सोचता हूं जब हम सेवा करते हैं तो कभी भी प्रभु हमें बीमार नहीं होने देगा। और ऐसा कहा जाता है दवाई और दुआ दोनों काम करती है। दवाइयां अपना काम करती है, दुआएं अपनी काम करती है। अब देखिए, यही कारण है पवित्र बाइबल में कई बार सुनने को मिलेगा कि कई लोग जो बीमार थे, दुखी थे, तकलीफ में थे, वो यीशु को ढूंढते हुए उनके पास चले जाते हैं, ढूंढते हुए उनके चले जाते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में भी यही बताया जाता है कि जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु के उस नगर में है, उस बस्ती में है, तो हजारों लोग उनके पास आ जाते हैं कि यीशु उनके सिर पर हाथ रख दें और वे चंगे भले हो जाएं। सच है, बिल्कुल सच है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमारे सबसे बड़े डॉक्टर स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। हम पूरे विश्वास और इत्मीनान से उनके पास जाना चाहिए। ये सच है कि हम दवाइयां लेने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, पर साथ साथ में ये भी जरूरी है कि हम दुआएं भी लें, ईश्वर की आशीष भी लें और भले चंगे हो सके। देखिए, लोग जब प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जाते हैं तो प्रभु यीशु को जानते हैं कि यीशु उन्हें कुछ ना कुछ जरूर देंगे, और जब तो लोग उनके साथ भीड़ लगा के जाते हैं, और जो विश्वास के जाता है उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये सच है कि यदि हम विश्वास के साथ में यीशु के पास जाएंगे तो हमें निश्चित रूप से यीशु चंगा कर देंगे। बीमारियां हम सबको कमजोर कर देती है, बुरी तरह से झिझोड़ के रख देती है। और आज के दैनिक जीवन में हम जानते हैं कि तरह तरह की बीमारियां हैं, कई बीमारियों का तो इलाज ही नहीं है, और हम जानते हैं कि डॉक्टरों की फीस बहुत सारी है, और जिसके पास भी जाओ सही सजेशन मिलता है कि नहीं मिलता है मालूम नहीं है। हम खुद संकोच में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? प्यारे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जिस प्रकार उस समय में जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता था कि यीशु नगर या बस्ती में, लोग भीड़ की भीड़ जाकर यीशु से आशीष लेते थे और चंगाई प्राप्त करते थे, आइए हम भी जब हमें मालूम है कि हम बीमार हैं, दुखी हैं, तो हम निश्चित रूप से समय निकालकर यीशु के पास जाएं और यीशु हमें आशीष दे और हम भले चंगे रह सकें। धन्यवाद। We'll be right back.